नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष, मेरे साथ हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता, बिहार सरकार के मंत्री संजय झा जी। आप दिल्ली गए थे, बातचीत हुई बीजेपी के साथ, कोई बात आगे बढ़ी? नहीं, अभी बातचीत हो रही है और ऐसा संभावना है कि अलायंस हो बीजेपी के साथ, और कल तक हम लोग कुछ बता पाएंगे फॉर्मली कि क्या। अगली बैठक कब है सर? नहीं, आज शाम में ही है। हाँ हाँ, कोई संपर्क में जो हम लोग हैं और होपफुली कल तक क्लियर हो जाए। पूरा दही का भोज खाने के बाद आप फिर जा रहे हैं दिल्ली बातचीत को आगे बढ़ाने? नहीं, बातचीत चल रही है ऑलरेडी उन लोगों से। आप मेरे ख्याल से कल तक कुछ क्लैरिटी हो जाए। कितनी सीटों पर लड़ना चाहता है? आज मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ नंबर वगैरह के बारे में, लेकिन ऐसी संभावना है कि दोनों का अलायंस हो जाए। मैं पहले भी बताया था आपको ये बात। अच्छा, आरजेडी भी वहाँ लड़ रहा है, कांग्रेस के साथ अलायंस होने की संभावना है, चर्चा है? नहीं, कोई ओपन है, जो भी लड़े, लेकिन आरजेडी को तो ये बताना होगा ना कि जो दिल्ली में लोग रहते हैं वो किस वजह से दिल्ली यहाँ से बिहार छोड़ कर गए, और काहे लोग उन लोगों से मजाक करता था बिहारी के नाम पर, किसके राजपाट में हुआ, ये भी तो जाके बताना पड़ेगा वहाँ पर। कल से यात्रा पर भी निकल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, यात्रा, अच्छा निकल रहे हैं यात्रा पे, तो अब तो उनको जाके तो सडनली अवतरित होते हैं, पूरा हाउस हो जाता है, गायब रहता है, फिर कहीं गायब रहता है, तो उनको बोलना क्या है। लेकिन इतना मैं ज़रूर बता देता हूँ आपके माध्यम से कि जेडीयू बीजेपी अलायंस और एनडीए अलायंस लोजपा के साथ बिल्कुल 2020 में एक साथ लड़के नीतीश कुमार के नेतृत्व में 230 से ऊपर सीट जीतेगी। एनआरसी के चलते, सीसीए के चलते असहज महसूस नहीं कर रहा है जेडीयू? नहीं नहीं, एनआरसी की तो बात ही नहीं है, कहाँ से बात आ गई एनआरसी की, कहाँ से एनआरसी आ गया बात? और सीए पे तो हम लोग वोट कर चुके हैं, कहाँ कोई कन्फ्यूजन है, हम लोग पक्ष में वोट कर चुके हैं और उसमें किसी की नागरिकता जाने की बात नहीं है। लेकिन ध्रुवीकरण की शुरुआत तेजस्वी ने कर दी है, अब तो यही काम ही किया है, कभी और कोई काम किया है क्या? बीजेपी भी यही काम कर रही है, अब जो भी करे, लेकिन जदयू जो है हर एक वर्ग के लिए काम करती रही है। तो आपने सुन लिया संजय झा को, इनका कहना है कि जेडीयू ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करता है और बीजेपी और आरजेडी के लोग अगर कर रहे हैं तो करें, उनको मुबारक हो ध्रुवीकरण की राजनीति। बीजेपी के साथ बातचीत चल रही है दिल्ली चुनाव को लेकर, लेकिन अभी तक तस्वीर साफ नहीं हुई है कि जेडीयू को बीजेपी सीटें देंगी दिल्ली में या नहीं देगी, क्योंकि बीजेपी के साथ जेडीयू का केवल बिहार में अलायंस है, झारखंड में जेडीयू अकेले चुनाव लड़ा था, दिल्ली में भी अकेले लड़ सकता है। अगर दिल्ली में चुनावी तालमेल होता है बीजेपी जेडीयू के बीच तो माना जाएगा कि सब कुछ सहज है बीजेपी जेडीयू के रिश्ते में। आपको संजय झा का ये बयान अच्छा लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।